नमस्कार, डेजर्टस्टॉर्म न्यूज में सायकालीन समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्य खबरों के साथ मैं टीना सोनी। चांदन क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में बताए जा रहे युवक के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल। नाचना में बरसाती गड्ढे में डूबने से एक बालक की मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। मोहनगढ़ देवा गांव में हो रही लगातार चोरियों के खिलाफ ग्रामीणों ने दिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। प्री मानसून ने बुधवार को जमकर भिगोया जैसलमेर को। पानी के तेज बहाव के कारण सड़कों पर लगी वाहनों की दोनों तरफ कतार। जैसाणेरी लाडली पड़ेगी बढ़ेगी थीम को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी विद कलेक्टर के आयोजन की अभिनव पहल से अभिभूत हुई मेधावी छात्रा। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ने किया सीमांत मुख्यालय राजस्थान का दौरा। अब खबरें विस्तार से। जैसलमेर के चांदन से बड़ी खबर। चांदन क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के बताए जा रहे मामले में युवक के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। चांदन क्षेत्र में एक युवक के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल होने का मामला प्रकाश में आया है। युवक केसुओं की ढाणी का बताया जा रहा है। युवक को नंगा कर सिर के बाल काटने और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान एक्शन में आए। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत के निर्देशानुसार हुई कार्रवाई में गिरफ्तार युवक सोजियो की ढाणी का निवासी बताया जा रहा है। नाचना में बरसाती गड्ढे में डूबने से एक बालक की मौत। जैसलमेर के नाचना से बड़ी खबर आ रही है। बरसात गड्ढे में डूबने से एक बालक की मौत हो गई है। मृतक श्रवण कुमार पुत्र मोहनलाल निवासी दीदू बताया जा रहा है। परिवारजनों ने हत्या का शक जताया है। पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। शव को नाचना अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। देवा गाँव में लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। मोहनगढ़ क्षेत्र के देवा गांव में लगातार हो रही चोरियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। देवा गांव में लगातार हो रही चोरियों व अन्य जुल्मों की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में रोष है, जिसके तहत आज ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को देवा ग्रामवासी सारे गांव वाले मिलकर ग्रामवासी लोग आए यहां पे। गांव में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही थी, जिनमें पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई और उनको छोड़ दिया गया। अभी इनके सेठ जी के 5 लाख रुपए की चोरी हुई और छोटी मोटी चोरियां और भी होती रहती है, जिनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। तो हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब को कि तुरंत ही इन पर कार्रवाई करके और जल्दी से मुजरिमों को गिरफ्तार करें। प्री मानसून की बरसात ने बुधवार को जमकर भिगोया जैसलमेर। प्री मानसून की बरसात ने बुधवार को जैसलमेर को जमकर भिगोया। शाम करीब 6 बजे बाद शुरू हुई बरसात बाद में तेज हो गई। तेज तूफानी हवाओं के साथ जमकर बरसे बादलों ने जैसलमेर के रेगिस्तानी में पानी का सैलाब ला दिया। जैसलमेर में प्री मानसून की इस बरसात ने चारों तरफ पानी ही पानी कर दिया। शहर से लेकर गाँवों तक जमकर बरसे बादलों ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिलाई है, साथ ही किसानों के चेहरे पर शानदार मुस्कान भी ले आई है। गाँवों में कई जगह पुरानी नदियों में पानी आया और जगह जगह नदियों ने अपने पुराने रास्ते को पहचान कर उस पर तेज बहाव में चलना शुरू कर दिया। सड़क पर पानी के तेज बहाव के आने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जैसलमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह के अभिनव पहल से अभिभूत हुई मेधावी छात्राएं कॉफी विद कलेक्टर के आयोजन को बताया जिंदगी का बेहद सुनहरा एवं यादगार पल। जैसाणेरी लाडली पड़ेगी बढ़ेगी थीम को प्रोत्साहित करने व जिले की मेधावी छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह की एक अनूठी पहल ने रेगिस्तान में पल्लवित पुष्पित प्रतिभाओं को बेहद अभिभूत कर दिया। जिला कलेक्टर सिंह ने जिले में विभिन्न परीक्षाओं में अव्वल रही छात्राओं के साथ कॉफी विद कलेक्टर के अभिनव कार्यक्रम का सूत्रपात करते हुए जिले की मेधावी छात्राओं के साथ सीधा संवाद कायम किया। जिला कलेक्टर के साथ कॉफी पर चर्चा करते हुए ये प्रतिभाशाली छात्राएं भाव विभोर हो उठी और जिला कलेक्टर ने बेटियों को सामाजिक उन्नयन एवं विकास का मूल आधार बताते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न परीक्षाओं में अव्वल रही छात्राओं से निरंतर अभ्यास और उच्चतम लक्ष्यों को सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चांदन क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में बताए जा रहे युवक के साथ हैवानियत का वीडियो वायरल। नाचना में बरसाती गड्ढे में डूबने से एक बालक की मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। मोहनगढ़ देवा गांव में हो रही लगातार चोरियों के खिलाफ ग्रामीणों ने दिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। प्री मानसून ने बुधवार को जमकर भिगोया जैसलमेर को। पानी के तेज बहाव के कारण सड़कों पर लगी वाहनों की दोनों तरफ कतार। जैसाणेरी लाडली पड़ेगी बढ़ेगी थीम को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी विद कलेक्टर के आयोजन की अभिनव पहल से अभिभूत हुई मेधावी छात्राएं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ने किया सीमांत मुख्यालय राजस्थान का। ये थे आज के समाचार। जुड़े रहिए डेजर्टस्टॉर्म न्यूज़ से। नमस्कार।